हेलो दोस्तों, एक समाचार में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की खबरें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एक समाचार को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के बटन को दबाकर हमारी नई नई खबरें देखने के लिए देखते रहे एकता समाचार। धन्यवाद। मंगलवार 12 मई को बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकम्मल जी कटारा को भारतीय जनता पार्टी चित्री मंडल अध्यक्ष देवीलाल पाटीदार, समाज सेवी एवं मीनाराई बिजनेसमैन रमेश पाटीदार खुटवाड़ा, महामंत्री राजभद्र सिंह चौहान, भाजपा जिला मंत्री जयकांत पवार, प्रताप बलाई एवं कोद्रलाल पाटीदार ने विदेशों में फंसे वागड़वासी भाई बंधुओं को पुनः स्वदेश लाने हेतु ज्ञापन दिया। ज्ञापन में निवेदन किया गया कि डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के सभी वागडवासी जो कि विदेश कुवैत, बहरीन, दुबई, कतर, ओमान, सऊदी अरब व खाड़ी देश में कार्यरत है, वे सभी भाई बंधु कोरोना की वजह से विदेश में फंस गए हैं। ऐसी जानकारी है कि वहां हजारों वागडवासी कोरोना की वजह से फंस गए हैं। हमारे वागड़ के भाई बंधु अपने परिवार के लालन पालन हेतु विदेशों में कार्य कर रहे हैं, किंतु उन्हें वहां पर किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यह विचार कर यहाँ पर सभी परिजन परेशान व चिंताग्रस्त हैं। इस भीषण महामारी के समय में अधिकतर वागड़वासी स्वदेश लौटना चाहते हैं। आदरणीय सांसद महोदय ने विषय की गंभीरता को समझते हुए तुरंत विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी से दूरभाष पर वार्तालाप किया और पत्र लिखकर खाड़ी देशों व अन्य देशों में रह रहे वागड़वासियों को तुरंत भारत वापस लाने हेतु आग्रह किया। साथ ही जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित है उन्हें उचित इलाज करवाने हेतु आग्रह किया। श्री कटारा जी ने विदेशों में फंसे भाई बंधुओं के लिए चिंता करते हुए खाड़ी देशों में फंसे हुए भाइयों से सीधे दूरभाष पर संवाद वार्तालाप किया एवं शीघ्र ही इसके समाधान का विश्वास दिलाया। देखिए, आज देश में महामारी कोविड-19 के तहत पूरा देश और पूरे देश के लोग और विश्व स्तरीय सभी देशों में लोग बहुत चिंता कर रहे हैं। उनको जीने का, उनको रहने का, जिस तरह से इनको परेशानी हो रही है इस बीमारी के कारण से, और इस बात को समझते हुए हमारे साथ में आज इस कार्यालय में रमेश भाई पाटीदार NRI हैं, खुटवाड़ा के निवासी हैं और बहरीन में रहते हैं और वह भी चिंता कर रहे हैं। उनके साथ में भाई देवीलाल जी हमारे मंडल के अध्यक्ष जी हैं, जयपाल सिंह जी हैं, भाई हमारे बुनकर प्रताप भाई, उदर भाई, और ये सब आज इस वेदना को लेकर के आए हैं कि वाकई में खाड़ी देशों में रहने वाले लोगों की बहुत परेशानी है। जब इन्होंने अपनी वेदना बताई, रमेश भाई यहीं रह गए, बहरीन नहीं जा सके और यहाँ बैठे सभी उन क्षेत्र के लोगों की जहाँ पर वो NRI प्रवासी भारतीय जो हैं वो वहाँ पर दूसरे देशों में हैं, उनके बारे में जानकारी भी इनको लाने के लिए भी बात कही। मैं इनके पहले ही एक पत्र लिख करके बैठा था कि आज फिर से तीसरा पत्र मैं दे रहा हूँ और VC के माध्यम से भी कल रात को 7 बजे मैंने आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, शेखावत साहब, वी सतीश जी और हमारे मेघवाल साहब जो मंत्री जी हैं, इन सब से मेरी चर्चा हुई। उन्होंने बताया है कि जिम्मेदारी वागड़ की आप अपने जिम्मे रखें और इनकी जिम्मेदारी विशेषकर श्री वी मुरलीधरन जी जो विदेश राज्य मंत्री हैं और माननीय हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, इनको अपने वहाँ के रहने वाले को अवगत कराना है। मेरे जिम्मेदारी समझते हुए इनको मैंने निवेदन किया कि ये अविलंब, क्योंकि ये जो हमारे जो इस वागड़ क्षेत्र के मेरे संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, जिसके अंतर्गत ये जो लोग अपनी छोटी मोटी रोजगार के लिए कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कर्गिस्तान, रशिया, पुणे, फिलीपींस, दुबई और अन्य खाड़ी देशों में ऐसे स्थानों पर ये प्रवासी लोग हमारे रह रहे हैं, उनकी ये स्थिति होगी है कि इस बीमारी के कारण से वो वापस घर लौटना चाहते हैं,
उनको वहां पर समय पे दवाई भी नहीं हो रही है और उनके साथ में भेदभाव बढ़ता जा रहा है। और जो इकामा नहीं लगा हुआ, ऐसे हमारे कई ऐसे बंधु हैं जो बहुत ही गरीब घर से यहाँ से निकल के कुछ कमाने के लिए गए थे परिवार को पालने के लिए, अभी इकामा नहीं लगने से वो भी रुके हुए। इनकी तो और ज्यादा संकट की स्थिति होगी कि किराया रह रहे हैं तो तीन तीन महीने का किराया नहीं चुका पा रहे, अब उनके पास पैसा रहा नहीं, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी परेशानी शायद ऐसा रुदन प्रकट कर रहे हैं तो हमारे आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। मैं इनकी चिंता करते हुए ये पूरी बात आदरणीय हमारे मंत्री जी भारत सरकार को और दोनों ही विदेश राज्य मंत्री और हमारे विदेश मंत्री जी जयशंकर जी, इन दोनों से मैंने चर्चा की है और आज ये जो लेटर लिखा है उसके बारे में आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि आदरणीय जयशंकर जी, विदेश मंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली, और एक पत्र मैंने दिया है माननीय श्री मुरलीधरन जी विदेश राज्य मंत्री भारत सरकार, इसमें लिखा है कि कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और तर्किस्तान, एशिया, यूक्रेन, फिलीपींस, दुबई व अन्य खाड़ी देश में फंसे राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ जिलों के प्रवासियों अपने गंतव्य स्थान पर वापस लाने के क्रम में, महोदय जी विषय उक्त विषय में निवेदन है कि कोरोना 19 महामारी के फैलने से पूरे विश्व में हलचल मची हुई है, लोग बहुत ही चिंतित हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित अन्य जिलों के जो राजस्थान में आते हैं, जिनमें निवास करने वाले प्रवासी NRI लोग अपनी रोजी रोटी के लिए एवं पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, कोरोना 19 महामारी के चलते लोग अपने अपने घर वापस आना चाहते हैं। प्रवासी छोटे कामगार श्रमिक लोग बहुत ही संकट में हैं। यह कि लोगों के जिनका इकामा नहीं लगा है इनकी तादाद बहुत अधिक है, इनके कमरा किराया चुकाने एवं रोटी पानी की व्यवस्था दुर्लभ हो रही है, भूखे रहकर भी तड़पती जिंदगी मुश्किल से गुजार रहे हैं, अस्पताल में चिकित्सा में भी भेदभाव कुवैत में किया जा रहा है। तुरंत प्रवासी भारतीय निरंतर ये प्रवासी भारतीय टेलीफोन से अपने आप बीती समस्याओं को हमें जो सुनाते हैं तो हम उसको सुनने में तकलीफ होती है। कृपया ऐसे सभी हमारे इस क्षेत्र के निवासी जो इस भारत देश के निवासी हैं और राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और इस क्षेत्र में रह रहे हैं, इनको पुनः वापस घर लाने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं और अविलंब इसकी कार्रवाई कर इनको यहां पर अपने घर पर लाया जाए, यही मैं निवेदन करता हूं। सादर कनकमल कटारा। ये पत्र मैंने विदेश मंत्री जी को लिखा है और आज ही इसको मैं भेज रहा हूं और उसके हर रोज हम BC के माध्यम से दिल्ली और राज्य में मुख्यमंत्री CM गहलोत साहब को भी कहा कि अपनी ओर से भी राजस्थान की ओर से भी एक पत्र आप भेजें और सांसद हम सभी मिल करके इस कोशिश करें। हमारे मंत्री महोदय भारत सरकार के पूरे जितने भी सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और इनकी निरंतर चिंता कर रहे हैं और अपने क्षेत्र के साथ साथ वो वहाँ दिल्ली बैठ करके भी विदेशी लोगों को भी जहाँ पर प्रवासी हमारे भारतीय हैं वो वहाँ उनकी यहाँ लाने की चिंता कर रहे हैं, इनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं आज भाई रमेश भाई पाटीदार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो हमारे निरंतर हमारी चिंता करते रहते भी हैं, क्षेत्र की चिंता भी करते हैं। यह बहुत बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं और कई हजारों लोगों को रोजगार देने का काम भी करते हैं। ऐसे हमारे प्रेमी भाई रमेश भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे मंडल के अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष और ये सभी मेरे साथ में बैठे हुए हैं, इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वाकई में मैं क्या काम कर रहा हूँ। उन्होंने आज आकर के देखा तब उनको पता लगा कि वाकई में इतना सारा कार्यक्रम हो रहा है तो हम भी उनको क्षेत्र में बताना चाहिए, ऐसा वो भी अनुभव कर रहे हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। लॉकडाउन है, 2 गज की दूरी बनाए रखे, सुरक्षित रहे, परिवार के साथ रहे और लॉकडाउन का पालन करें। इसी विषय में आज एकता समिति की टीम हम आपको ऐसे वागर के रत्न से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो रमेश जी पाटीदार के नाम से खोटवाड़ा के निवासी है और हमारे सांसद महोदय से वार्ता करने के लिए यहाँ पे खाड़ी देशों में जो फंसे हुए हमारे बंधु है इनके विषय में आपसे बात करेंगे।
रमेश जी पाटीदार। सर पहले आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रमेश पाटीदार है, मैं बहरीन में रहता हूँ और यहाँ पर इंडिया में भी बिजनेस करते हैं और अभी लॉकडाउन से पहले हम यहाँ पर आए थे तो हम यहीं रह गए हैं। आज श्रीमान सांसद महोदय जी के पास आए हुए हैं। खाड़ी देशों में अन्य देशों में रहने वाले हमारे वागड़वासियों के लिए निवेदन करने के लिए आए हैं। कई सारे कुवैत में हमारे वागड़ के करीब करीब 40,000 भाई वागड़ के रहने वाले हैं, रहते हैं वहाँ पे। बहरीन में ऐसे ही 3,000 से 4,000 बहरीन में रहते हैं, ओमान में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, ऐसे कई कई खाड़ी देशों में और कई अन्य देशों में रहते हैं। आज स्थिति यह है कि सभी जगह लॉकडाउन चल रहा है। कुवैत में भी लॉकडाउन चल रहा है, हमारे भाई संकट में हैं। बहरीन में भी लॉकडाउन चल रहा है। कुवैत में कई लोग ऐसे हैं जिनको लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर निकल पा रहे हैं और जॉब उनका छूटा हुआ है तो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और कई लोग बीमार भी हैं, ऐसे यहाँ आना चाह रहे हैं, भारत में अपने वतन आना चाहते हैं। तो इस संबंध में आदरणीय सांसद महोदय जी के पास हम यहाँ पर आए हैं उनसे निवेदन करने के लिए। और हमारे सांसद महोदय हमारे वागड़वासियों की हर बात को सुनते हैं, बारीकी सुनते हैं और उन्होंने जैसे ही उनसे बात किया उन्होंने बोला तुरंत आओ और उनसे निवेदन किया। तुरंत ही उन्होंने श्री विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी से दूरभाष पर वार्तालाप किया, प्लस उन्होंने तुरंत लेटर भी लिखा कि हमारे वागड़वासियों को तुरंत यहाँ पर लाया जाए। हमारे 40,000 कुवैत में हैं, बहरीन में हैं और करीब करीब 50,000 से 60,000 वागड़वासी बाहर में रहते हैं, उनको तुरंत लाने की व्यवस्था की जाए और इनकी इनसे उन्होंने निवेदन किया है और तुरंत उसके ऊपर तुरंत सांसद महोदय ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की। इसके लिए आदरणीय सांसद महोदय श्रीमान कनकवर कटारा साहब का हम सब आभारी हैं कि ऐसे लाडले ऐसे जो जन जन के प्रिय हमारे सांसद हैं तो हम सब इनके आभारी हैं और निश्चित रूप से हमारे सांसद महोदय पूरे वागड़वासियों के साथ में हैं। उनसे जब भी जब जब वागड़वासियों की कोई प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमेशा साथ में होते हैं, हमेशा कहते हैं कि वागड़वासियों के लिए हम तत्पर हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो हम लगे रहते हैं। आज लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का इतना बड़ा संकट है, फिर भी यहाँ पर 2400 घंटे यहाँ पर इसी कुर्सी पर यहाँ पर बैठे रहते हैं और यहाँ पर वागड़वासी की बात सुनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक एक व्यक्ति को बुला करके उनकी समस्या को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। अभी कई सारे ऐसे ऐसे प्रवासी जो बॉम्बे में फंसे हुए हैं, गुजरात में फंसे हुए हैं, कहीं और राज्यों में फंसे हुए हैं, उनसे लाने के लिए भी तुरंत जो भी आता है तुरंत संबंधित अधिकारी से वार्ता करके उनको लाने के लिए सुनिश्चित करते हैं। ऐसे हमारे सांसद महोदय हैं। सांसद महोदय जी का हम तहे दिल से वागड़वासियों की तरफ से हम तहे दिल से उनका आभार प्रकट करते हैं। ये थे हमारे रमेश जी NRI बिजनेसमैन जो आज सांसद महोदय के साथ रूबरू होने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद।